पॉलिटिकल खबर की हम बात करने जा रहे हैं जो चर्चा का विषय काफी दिनों से बनी हुई है, इंडिया गठबंधन, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत चुनाव लड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में फिलहाल मौजूदा बीजेपी जेडपी की सरकार चल रही है और विपक्ष में मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी को सीट शेयरिंग करनी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस पार्टी भी है। तो क्या उस फॉर्मूले के तहत हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग होगी या फिर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा? यह सवाल कल तक पूछा जा रहा था। कल एक खबर सामने आई जिस खबर में यह बताया गया कि आम आदमी पार्टी ने तय किया कि लोकसभा चुनाव के लिए ही तो ये इंडिया गठबंधन बना है, इसलिए विधानसभा चुनाव में तो अकेले 90 विधानसभा सीटों पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ा जाएगा। अब आज एक बड़ा बयान सामने है और ये बड़ा बयान किसी और ने नहीं, मौजूदा हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिया है और यह बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की राजनीति में इस समय सवाल पूछा जा रहा था कि क्या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग करेंगी, क्या 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और 1, 2 या 3, 4 जितनी भी सीटें बनेंगी वो दी जाएगी। इस सवाल का जवाब हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से लिया गया है। खुलकर भूपेंद्र हुड्डा ने आम आदमी पार्टी पर सियासी निशाना तो साधा ही, लेकिन बड़े संकेत दे दिए कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी कहा उन्होंने कि आदमपुर में सबने देखा आम आदमी पार्टी की तो जमानत भी नहीं बची थी, अब ऐसे में आधार क्या है सीट देने का। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इंडिया गठबंधन को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। आदमपुर में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी, आम आदमी पार्टी को सीट मांगने से पहले देखना चाहिए आधार, ये कहा गया है। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा तो हमेशा से करते आए भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन मेन बात यह है, मुख्य खबर यह है कि आदमपुर उपचुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाए आम आदमी पार्टी और किस आधार पर सीट मांगेगी, ये भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल खड़ा किया। तो क्या भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस आला कमान से बातचीत करके आए तब जानकारी दे रहे हैं सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं, तो क्या ये हम मान कर चले कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान यही सोचकर आगे बढ़ रहा है? अगर ऐसा होता है तो पंजाब में भी फिर लोकसभा चुनाव दोनों के साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़े जाएंगे, तो इंडिया गठबंधन का औचित्य क्या है? एक बार सुनवाते हैं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है। मैंने कहा हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है, आप रिजल्ट देखो पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 एमपी हैं लेकिन सेकंड नंबर पे तो सब जगह कांग्रेस ही रही है। नहीं वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन सर अलायंस होगा तो सीट शेयरिंग भी करनी पड़ती है, तैयार है अगर आम आदमी जिसका जो होगा, यहाँ आम आदमी पार्टी का जो अभी आदमपुर में लड़ी थी होती आदमपुर में आम आदमी जमानत भी नहीं बची। एक बार फिर से हम सुनवाना चाहते हैं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, यह बहुत बड़ी खबर है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से, एक बार फिर से सुनिए। मैंने कहा हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है, आप रिजल्ट देखो पिछले 19 के रिजल्ट देखो, बीजेपी के 10 के 10 एमपी हैं लेकिन सेकंड नंबर पे तो सब जगह कांग्रेस ही रही है। जिसका जो होगा, यहाँ आम आदमी पार्टी का अभी आदमपुर में लड़ी थी होती आदमपुर आम आदमी जमानत भी नहीं बची। मैंने कहा तो आपने सुना क्या कहा भूपेंद्र हुड्डा ने, हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड सीधे जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चर्चा के लिए। जितेंद्र ये बड़ी बात, वो भी हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं,
एक बड़ा कद कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा का यूं ही बात नहीं कही जाती, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मीडिया के सामने, और सीधे सीधे कहा उन्होंने। तो हम ये मानकर चले जितेंद्र चौधरी इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही है और स्टेट में आप चुनाव लड़ेंगे, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव में ये लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पंजाब और हरियाणा में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ दे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का आधार बड़ा है, हरियाणा में कांग्रेस का आधार बड़ा है, मुख्य तौर पर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी शामिल है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की बातों से तो लगता है कि यहां पर तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एक असमंजस की स्थिति बन गई है। देखिए कमल, इस खबर की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक कवायद शुरू हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर के। तमाम पार्टियां जो हैं इसको लेकर के कई दौर की बैठकें कर चुकी है और इस गठबंधन को ये माना जा रहा है कि खासतौर से लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है और इसकी कवायद जो है इसी को लेकर के की जा रही है। तमाम जो दल हैं वो इसके अंदर शामिल होते नज़र आ रहे हैं। आपने बात हरियाणा और पंजाब की करी, हरियाणा और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी सक्रियता दिखा रही है, एक जगह तो उसकी सरकार भी है पंजाब के अंदर। पंजाब की बात पहले ही पंजाब के जो CLP लीडर हैं प्रताप बाजवा वो क्लियर कर चुके हैं कांग्रेस की तरफ से कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये कह दिया गया है कि 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, और आम आदमी पार्टी को कम से कम अपना आधार देखना चाहिए। आदमपुर उपचुनाव के अंदर जमानत भी नहीं बचा पाई थी, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जब इतनी बड़ी कवायद देश भर पर तमाम जो पार्टियाँ हैं वो मिलकर के, विपक्षी पार्टियाँ ये कह सकते हैं वो मिलकर के कर रही हैं, और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के इस तरीके के जो बयान हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं, तो फिर इस गठबंधन का क्या फ़ायदा होगा? इस गठबंधन की नींव जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के रखी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जब सीट शेयरिंग को लेकर बात आ रही है तो उसमें विरोधाभासी जो बयान है, और ख़ासतौर से जो प्रमुख नेता है, कोई आम कार्यकर्ता अगर इस बात को करता है तो शायद इतनी गंभीरता ना हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी कांग्रेस के अंदर कद्दावर नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके बयान के मायने अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि पूरे तौर पर कांग्रेस के अंदर, चाहे वो संगठन की कवायद हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जो चाहते हैं संगठन के अंदर या पार्टी के अंदर जिस तरीके से भी वो चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है होती नज़र आती हैं उनकी कद को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए। अब भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना कि 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी जा रही है वो नींव आखिर फिर वो किस तरीके से आगे तक बढ़ पाएगी आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरीके की शेयरिंग को लेकर। तो ये बात तो फिर नहीं हो गई, दुष्यंत चौटाला जैसे कह रहे थे जितेंद्र, मैं उनका बयान कई बार सुन चुका हूँ कि सीट शेयरिंग जब होगी तब देखिए क्या होगा। अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय भी नहीं हुआ, उससे पहले ऐसे बयान, कल आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव तक का इंडिया गठबंधन है, 90 विधानसभा सीटों पर तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और आज ये बयान सामने भूपेंद्र हुड्डा का आ जाता है कि लोकसभा चुनाव में हम 10 सीटें चुनाव में लड़ने के लिए सक्षम है, क्या मायने समझे जाए इन बयानों के? देखिए जहाँ तक विधानसभा चुनाव के अकेले लड़ने की बात है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी जो है उपचुनाव के अंदर अपना ये कह सकते हैं कि रिजल्ट देख चुकी है, आगे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को हरियाणा के अंदर कॉन्टेस्ट करना है वो तमाम चीज़ें विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो कवायद चल रही है जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता हैं अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जो है इंडिया गठबंधन में प्रमुख तौर पर जा रहे हैं, कांग्रेस के को भी उसमें बड़े गठबंधन की जो साथी है इंडिया गठबंधन की कवायद के तौर पर देख रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वहाँ पर कई दफ़ा नज़र आए हैं किस तरीके से जब ये बैठकें होती है, और अपने आप में सभी पार्टियां जो हैं वो एक होते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन इस प्रकार की अगर कवायद होती होगी तो ऐसी स्थिति में गठबंधन किस तरीके से ये सिरे चढ़ेगा और किस तरीके से सीट शेयरिंग हो पाएगी, क्योंकि गठबंधन के अंदर जो है सीट शेयरिंग और जो अपना मैनिफेस्टो है उन तमाम विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं एक सहमति बनने की बात कही जा रही है, लेकिन उस सहमति के साथ की जो खबरें हैं वो कम आते हुए बल्कि ये खबरें ज़्यादा आ रही हैं कि अकेले चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है हरियाणा पंजाब जैसे राज्य के अंदर, कम से कम ये कहा जा सकता है जब सीनियर लीडर इस बात को कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को लेकर के ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर अगर इस तरीके से इंडिया गठबंधन होगा जिसमें कोई सीट शेयरिंग ना हो, जिसमें कोई विचारधारा का समावेश ना हो, तो किस प्रकार से ये गठबंधन आगे तक जा पाएगा और प्रदेश के अंदर
आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से विरोधाभासी बयान जो है वो बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी का भी आपने जिक्र किया विधानसभा चुनाव को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा ने स्पष्ट कर दिया है कि 10 की 10 सीतों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जितेंद्र, लोकसभा एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है इंडिया गठबंधन की ओर से, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी हालांकि बाद में तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, एक प्रक्रिया और भी इंडिया गठबंधन में बनाई गई है कि वहां से अगर कुछ बात नहीं बनती है तो फिर दूसरे जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता है वो उस बात को देखेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब राज्य स्तर पर बात आएगी और इतने सीनियर लीडर्स, भूपेंद्र हुड्डा एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यानी कि स्टेट के लेवल पर दिक्कत परेशानी जरूर आने वाली है। गीता भुक्कल हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। गीता भुक्कल जी, अभी अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान सामने आया है, उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत बेशक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये जो बयान है ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का आधार ही क्या है हरियाणा में, क्या कहेंगे आप? आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो की 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत बड़े नेता हैं और वो इस बात को समझते हैं। उन्होंने बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ ये स्टेटमेंट दी होगी। ठीक बात है कि गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस हमारा बना है, उसमें सभी तरह के इस तरह के विषय हैं, लेकिन मैं तो ये कह सकती हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सक्षम है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम लोग कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग अच्छे ढंग से न केवल हम चुनाव लड़ेंगे बल्कि मैं समझता हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनेगी। आम आदमी पार्टी का जहाँ तक ठीक है कि नेशनल लेवल पर हमारा एक अलायंस इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद भी नहीं है, विधायक तो बड़ी बात है, और अभी तक तो लोकसभा में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है। मैं समझती हूँ बिल्कुल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसकी मैं पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। गीता भुक्कल जी, जितेंद्र चौधरी मेरे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जितेंद्र, अपना सवाल पूछिए, आप सवाल पूछना चाहते थे। मैडम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो बयान आया या फिर आप भी जो इसका समर्थन कर रहे हैं, इसको इच्छा के तौर पर समझा जाए या कांग्रेस के निर्णय के तौर पर देखा जाए हरियाणा के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का निर्णय हमारी हाई कमांड लेती है, जो भी निर्णय वो लेंगे और जो सूचित किया जाएगा कांग्रेस पार्टी का, चाहे वरिष्ठ नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, उसको वो मान्य करेंगे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को किसी भी अलायंस की यहाँ पर आवश्यकता फिलहाल नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है इस समय, क्योंकि लोग बीजेपी और जेजेपी से पूरी तरह से दुखी आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से जब भी यहाँ पर चुनाव हो, लोग जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाना चाहते हैं। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो अनुभव है, 5 बार के वो सांसद रहे हैं, 3 बार के ही विधायक हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके बयान जो है उसके बहुत बड़े मायने हैं। जी मैडम, तो ये राय समझे हम भूपेंद्र हुड्डा की या फिर आला कमान से कुछ बातचीत भी चल रही है कि आने वाले वक्त में फैसला ले तो सोच समझ कर ले? ये देखिए, मैं इस बारे में मेरी ज्यूरिडिक्शन में ये शामिल, क्योंकि आपकी बातचीत कभी हुई इस मसले को लेकर आपस में पार्टी में कभी? देखिए, जब भी पार्टी में बैठकर बात होते हैं तो सभी का कहना ये है कि कांग्रेस सक्षम है। बहुत से राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम समझौता चाहते हैं, बहुत से राजनीतिक दल हैं जो ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आज के समय में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश भर में और विशेष तौर से अगर मैं हरियाणा राज्य की बात करूं, हरियाणा में पूरी तरह से सक्षम है और जिस तरह का रुझान आ रहा है, हम समझते हैं पूरी मजबूती के साथ जो हमारे जितने भी कार्यक्रम, चाहे आपका विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम बोले जितेंद्र, हाथ जोड़ो कार्यक्रम है या जो दूसरे कार्यक्रम है, जनमिलन कार्यक्रम है, आपने देखा होगा लोगों का, छत्तीस बिरादरी का, सभी वर्गों का जो है पूरा। आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम गीता भुक्कल जी, एक मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ जी, मैडम मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर हम मजबूत हैं, कहीं दूसरी पार्टी ये कहेगी कि उस जहाँ कांग्रेस कमजोर है वो अपनी मजबूती दर्शाएगी, तो फिर ये इंडिया गठबंधन के लिए जो आपके शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेता जो है अलग अलग जगह जाकर के बैठक कर रहे हैं, उसका क्या औचित्य रहेगा? क्योंकि जहाँ कोई पार्टी अच्छी पोजिशन में होगी वहाँ उसका यही कहना होगा। पंजाब में भी आपके जो CLP लीडर हैं कांग्रेस के, प्रताप बाजवा, उन्होंने कह दिया कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ किसी
गठबंधन की जरूरत नहीं है, तो फिर इंडिया गठबंधन का तो औचित्य ही नहीं बचता अगर पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर कांग्रेस ये कहती है, और जहां अच्छी स्थिति में कोई दूसरी पार्टी होगी वो कांग्रेस के साथ जाना शायद ना चाहे। जितेंद्र जी आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो फैसला है इंडिया गठबंधन और उसकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, तमाम मुद्दे वहां पर डिस्कस होंगे और डिस्कस होने के बाद ही वो कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये राय बनती है और लोगों में ये चर्चा है, उस चर्चा के बेस पे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बहुत सोच समझ कर कहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में यही डिमांड है और यही चर्चा है। ठीक है जी, गीता बुक्कल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप खबरें तक के साथ जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं। तो आपने सुना भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, एक बार फिर से आपको जानकारी हम देना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने INDIA गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया, हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। एक बार वो बयान भी सुनाते हैं जब उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी अकेले। सुनिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अनुराग ढांडा साहब इस समय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा जी, एक तरफ इंडिया अलायंस की बात हो रही है और आपसी तालमेल के साथ चुनाव लड़ने की बात की जा रही लोकसभा चुनाव में, भूपेंद्र हुड्डा को तो लगता है कि हरियाणा में सक्षम है कांग्रेस पार्टी, और आदमपुर चुनाव उपचुनाव में देख लिया सबने कि जमानत भी नहीं बचा पाई थी आम आदमी पार्टी, तो आधार ही नहीं है, तो सीट कहां से दी जाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर कर रही है, और हमने अपना जो संगठन बनाया 4000 पदाधिकारियों का, वो भी पूरे प्रदेश के अंदर बनाया है, एक एक विधानसभा में एक एक गांव में अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहां तक हुड्डा साहब की बात है, मुझे नहीं पता कि उनके ये बोलने का क्या आधार है और वो किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं, वो अपने हाईकमान को हाईकमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको कुछ मानते हैं या नहीं मानते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई है वहां पर। और अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सक्षम है अपने आप में, या हुड्डा साहब अपनी बता रहे हैं कि हुड्डा साहब सक्षम है, तो फिर रोहतक और सोनीपत में बाप बेटा दोनों चुनाव कैसे आ रहे थे इतने सक्षम होने के बावजूद, ये भी उनको जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बड़बोलापन इसको कह सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ करके बोलना। हुड्डा साहब को कोई कांग्रेस के अंदर तो नेता मानने को तैयार है नहीं, रोज नारेबाजी होती रहती है उनके खिलाफ, मुख्यमंत्री का चेहरा होते थे पहले, अब वो मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ ये कहने तक पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है उनको अपनी जो लीडरशिप क्राइसिस है वो कांग्रेस के अंदर उनके लिए हो गया है, इसलिए वो आजकल ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वरना तो ये सारी चीजें राष्ट्रहित में जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है उसको तय करना है, और आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन हमारी जमीन पर पूरी तैयारी है, एक एक गांव में तैयारी है, एक एक मोहल्ले में तैयारी है, और हम पूरी तैयारी के साथ 90 की 90 विधानसभा और 10 लोकसभा पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अनुराग जी, एक अंतिम सवाल है, हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जितेंद्र, सवाल पूछिए जी। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विचार अलग हैं, आपके बयान अलग हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन किस तरीके से होगा? आपने भी अभी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के जो अपना जो बयान दिया है इस अभी, तो ऐसे आप किस तरीके से एक साथ चुनाव लड़ने की कवायद जो है वो लोकसभा चुनाव में केंद्र स्तर पर कर रहे हैं? नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन राष्ट्रहित को लेकर बनाया गया और राष्ट्रीय विचार को लेकर के बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी देश को खत्म करने पर आमादा है, लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है, उसके खिलाफ तानाशाही से बचाने के लिए देश को एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाया गया और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटीज बन गई हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं। मैं वही जानना चाहता हूं कि हुड्डा साहब किस कैपेसिटी में ये बात कह रहे हैं, उनको कहां से किसने बता दिया, वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी ऊपर हो गए हैं क्या? तो ये सब चीजें उनसे पूछी जानी चाहिए। वो एक इनडिसिप्लिन कार्यकर्ता या इनडिसिप्लिन नेता की तरह काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को मानते नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको लीडर मानने को आजकल तैयार नहीं है, उनके संगठन को लेके रोज जूते चप्पल चल रहे हैं, तो उससे हो सकता है थोड़े विचलित हो, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, वरना तो ये प्रदेश नेतृत्व के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये चीज केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, और जो भी हमारी पार्टी का हाईकमान तो जो भी तय करेगा हम वो आदेश मानने को तैयार है। आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है?
नहीं उनको तो वो तो कहते हैं उनको शैलजा जी की भी जरूरत नहीं है, वो कहते हैं उनको रणदीप सुरजेवाला की भी जरूरत नहीं है, तो हुड्डा साहब की जरूरत के हिसाब से नहीं चल रही ना कांग्रेस पार्टी। वो तो कहते हैं मुझे सीएम बनने की जरूरत है, पर उनको कोई बना तो नहीं रहा ना, उनको सीएम चेहरा भी कोई बनाने को तैयार नहीं है, वो अपनी ही पार्टी के अंदर अकेले पड़ रहे हैं, इसलिए विचलित होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैंने कहा था अंतिम सवाल है, लेकिन एक सवाल और मन में आ गया सर, और ये अंतिम सवाल ही रहेगा। उन्होंने एक बात तो सही कही, अभी तक जो आम आदमी पार्टी का ग्राफ रहा हरियाणा में वो अच्छा नहीं रहा, ऊपर जाने वाला नहीं रहा सर। ऐसे में उन्होंने एक बात कही कि आधार ही क्या है कि आम आदमी पार्टी सीट मांग रही है, उनका आधार तो कम से कम देखना चाहिए, उसके मुताबिक तो सीट मांगे हरियाणा में। देखिए आधार हम कोई मांग नहीं रहे, वो कौन होते हैं देने वाले, हुड्डा साहब की कैपेसिटी नहीं है देने की, वो दोनों सीटें अपनी रोहतक और सोनीपत नहीं बचा पाए, वो किस कैपेसिटी में लोकसभा चुनाव की बातें करते हैं, तो हम कोई मांग नहीं रहे हैं। कभी भी गठबंधन होता है, कभी बातचीत होती है, तो कुछ विषयों को देख करके केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करके उस पर कोई फैसला करेगा, तो वो मान्य होगा हम सबके लिए। लेकिन जहां तक उन्होंने कहा कि कैपेसिटी नहीं है, तो उनको बताना चाहिए कि जिला परिषद का जब चुनाव हुआ तो दूसरे नंबर पर सिंबल पर सीटें जीतने वाली कौन सी पार्टी थी, वो आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस तो सिंबल पे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। तो बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनके अंदर जो केंद्रीय कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं वो इन सब पे बात करेंगी, हुड्डा साहब की कैपेसिटी नहीं है मुझे लगता है। जी अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े खबर के साथ, आपने अपनी बातों को रखा, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुन लिया जितेंद्र चौधरी, संक्षेप में कंक्लूजन क्या निकल कर सामने आया इस बातचीत का, मैं आपसे जानना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। देखिए कंक्लूजन साफ है, क्योंकि दोनों ही जो पार्टी के जो प्रदेश के जो नेता हैं उनके बयान विरोधाभासी हैं, और उनके अंदर की कड़वाहट जो है वो दर्शा रही है कि आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर इसको लेकर के किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है। अपने अपने आप को सक्षम तो दोनों पार्टी कह रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का कितना असर इसको लेकर के देखने के लिए मिलेगा, ये भविष्य के गर्त में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी, और इस पर हमने बहुत लंबी चर्चा इसलिए की क्योंकि ये राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण खबर थी।